तो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं क्षितिज फ्रॉम जनरल प्रो राइडर और आज हम आ रखे हैं अगेन आरजे कार महल पे। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज कराने आए हैं बेसिकली थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में। तो लॉकडाउन बेसिकली खुल चुका है, पहले क्या सीन था, पहले तो लॉकडाउन हो गया था 2 महीने का, तो काफ़ी टाइम से कुछ काम मेरी गाड़ी में जो होना था वो रुका हुआ था और हो नहीं पा रहा था। उसका एक और रीज़न लॉकडाउन भी था और एक और रीज़न था ट्रांसफर की, गाड़ी मेरी गई थी ट्रांसफर होने के लिए कागज वगैरह, तो वो लॉकडाउन के वजह से अटक गया था प्रोसेस। तो मेरा ये प्लान था कि वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाए, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट इसका हो जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर काम वाम करा लूँगा। बिकॉज यार एक बार गाड़ी जब अपने नाम हो जाती है तो थोड़ी सी टेंशन मतलब दूर हो जाती है एक बहुत बड़ी। तो अभी आ जाए हुए हैं हम फिलहाल आरजे कार महल पे अगेन। यहाँ आपने पहले भी दुकान देखी होगी, आपको दुकान का भी दे दूंगा वॉक अराउंड थोड़ी देर में। तो आज हम क्या काम कराने वाले हैं, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में शायद देख ही लिया होगा, बाकी आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ क्या काम आज होने वाला है। तो फटाफट से आपको दिखाते हैं सारे काम जो आज होता है और स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रो के। आज बेसिकली क्या है, अभी हम लगाने आए हैं इसमें छोटा मोटा सामान। पहला सामान तो पीछे भी इसमें क्या लग रहा है, पहला इसमें लग रहा है अभी हॉर्न। तो हॉर्न जो है ये मैं लगवा रहा हूँ अभी वोल्टा के, तो इसकी जो साउंड है अभी लगने के बाद आपको सुना दूंगा। गाड़ी अभी खुली हुई है, मेरे को आए हुए कुछ अभी 15-20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो साउंड इसके भी सुना दूंगा। अभी रोहित भाई भी यहाँ पे हैं, देन अभी यहाँ पे आपको सारा दिखा दूंगा क्या क्या नया कुछ स्टॉक आया है तो क्या आया है। और आज मैं अपनी गाड़ी में एक बहुत खास चीज़ भी लगाने वाला हूँ, जो मैं बहुत टाइम सोचा था कि करा लूँगा, तो आज आया हूँ तो सोचा करा ही लेता हूँ, क्यों रुकना। तो वो है बेसिकली LED DRL। तो जो इसकी आईज़ हैं वो बड़ी बेसिक हैं, बिकॉज ये पुंटो का 2013 का मॉडल है, फियाट पुंटो का। तो इसके मैंने ऑलरेडी आईज़ में टेपिंग तो करा रखी है, आप लोग पीछे देख सकते हो टेपिंग इसकी हो रखी है, ताकि थोड़ी स्पोर्टी सी लुक है, अग्रेसिव सी लुक, लेकिन फिर भी मेरे को एक मतलब और अग्रेसिव लुक चाहिए थी। तो उसके लिए आता है प्रॉपर DRL वाइट वाला, यहाँ पड़ा हुआ नीचे। तो अभी आपको जला के दिखाता हूँ बेसिकली होता क्या, आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पूरी मैंने आईलेट्स ही बनवा रखी है यहाँ पे, तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पूरा DRL। अभी आपको फिटिंग विटिंग होकर दिखा दूंगा। पहले हमारे जो भाई साहब हैं यहाँ पे, इनको आप जानते होंगे, बहुत वीडियोज़ में आ चुके हैं ये, तो एक बार आए बोल दो। तो ये हमारे यहाँ पे करते हैं सारा का सारा काम मेन, आपने पहले भी देखा होगा इनको। सिस्टम की जो वीडियो है, सिस्टम भी इनने मेरा फिट किया था, काफ़ी सारे काम इनने किए थे। LED लाइट, जो LED लाइट इनने फिट की थी, तो अब से मैं सारे काम जो कराता हूँ यहीं से कराता हूँ, बिकॉज ट्रस्ट बन चुका है यहाँ पे, एक भरोसा बन चुका है। तो अभी ये हो रहे हैं फिट वोल्टा के हॉर्न। तो एक बार अभी ये फिट हो जाए प्रॉपर, देख सकते हो इतने सुंदर लग रहे हैं, क्रोम कलर में हैं, क्रोम शाइनी में, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं लगे हुए। तो एक बार ये फिट हो जाए, स्टॉक हॉर्न तो इसका बहुत मतलब हल्का था, अगर हो पाता मैं आपको दिखाता, पर ऑलरेडी उतार दिया हमने, मतलब ना के बराबर आवाज़ थी, बहुत कम आवाज़ थी, बेसिक सी मेरे को चाहिए थी, एक मतलब बुलंद आवाज़, एक बिल्कुल मतलब बजे तो पता लगेगी, मतलब गाड़ी में कुछ बज रहा हॉर्न अलग ही। तो इसलिए ये वाले हम लगवा रहे हैं स्पेशल वाले हॉर्न जो आफ्टर मार्केट हैं, तो ये कराते हैं। और ये आ गए अपने रोहित भाई, इनको जानते ही होंगे, तो पहले वीडियोस में इनको मैं बहुत बार ले चुका हूँ, इन्हें सारा बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आओगे तो ज़्यादातर आपको ये हमारे भाई बैठे हैं मिल लेंगे, तो हमारे नाम से आओगे हमेशा बोलता हूँ, डिस्काउंट और रिगार्ड जो बेस्ट होगा वो हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ ये आ गए हैं, तो LEDs की मैं बात कर रहा था, तो हॉर्न तो वो दिखा दिए वोल्टा नाम था ना, वोल्टा, तो वोल्टा के हॉर्न आपको दिखा दिए जो मैं अभी फिट करवा रहा हूँ। बाकी एक बार यार हॉर्न में और वैरायटीज आएँ तो क्या एक बार आती है बता दो व्यूअर्स के लिए। अच्छा ठीक है, सनलेक्स की आती है, बॉश की आती है, ब्लू जोन मिल जाएगी, नाविक मिल जाएगी, कोबरा है। अच्छा, बस विप्रोसोनिक रूट्स के विप्रोसोनिक में मिल जाएंगे हॉर्न। तो ये सब में उसका साउंड का फर्क है, साउंड का फर्क और सबसे सस्ते कौन से आते हैं, किसी को सबसे सस्ते में चाहिए स्टार्टिंग रेंज में? कोबरा आता है। कोबरा आता है, कितने का कोबरा है ये? आपको मिल जाएगा 500-600 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी साउंड इससे हल्की सी कम होगी पर मेरे ख्याल से वोल्टा की। तो ये वाला 500 रुपये स्टार्टिंग रेंज है विद फिटिंग। तो विद फिटिंग भाई ये देख सकते हो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगती है जो प्राइस से बताते हैं विद फिटिंग होते हैं, इन्हीं की बात में आपको 100-200 फालतू देने कुछ नहीं, 800 रुपये के हैं विद फिटिंग। अच्छा, और इसमें जैसे बोलते हैं क्रेटा वाली साउंड चेंज, इसमें क्रेटा वाली साउंड आती है। ठीक है, तो ये बॉश हो गए, और जो मैं लगा रहा हूँ उसका प्राइस बता दो क्या पड़ेगा व्यूअर्स के लिए हमारे थ्रू आएंगे तो? 800 रुपये। तो वोल्टा 800 रुपये, देन ये 500 स्टार्टिंग, और महंगे से महंगा कितने का आता है ये बता दो किसी को, अगर प्रीमियम में चाहिए हो। 2200। 2200 क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा रूट्स के बड़े वाले हॉर्न पे? अच्छा, क्या फर्क आएगा
मतलब साउंड बहुत लाउड होगी, बहुत लाउड, बहुत लाउड लगता है रूट्स के। अच्छा अच्छा, तो वो वाले होंगे मोटे वाले मेरे ख्याल से, क्या कि रूट्स के हैं 2200 के भाई, सबसे महंगे वाले हॉर्न है। किसी का बजट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो बजट की तो वो भी लगा सकता है। मेरे को चाहिए थे एक बजट में अच्छे खासे लाउड हॉर्न, जो ओवर लाउड भी ना हो, मतलब बहुत कम लाउड भी ना हो, अच्छे खासे लाउड हो, जो मेरे को ये लगे सुनने में, मतलब हॉर्न मारे तो पता लगे कुछ बढ़िया सी आवाज़ मतलब बज रही है। तो ये हो गई पहली चीज़ जो हम फिट करवा रहे हैं। 800 रुपये आ सकते हो विद फिटिंग प्राइस है यहाँ पे, आरजे कारमेल, एड्रेस दे दूंगा वीडियो के एंड में। अब आते हैं खास चीज़ आपको बता रहा था जो हम लगवाएंगे आज, तो ये है हमारी LED DRL। किसी की गाड़ी में अगर LED लगी हुई नहीं आती, DRL लगी हुई नहीं आती, तो वो ये काम करा सकते हैं। वैसे तो आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं मैक्सिमम में आई जाती हैं, पर काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके बेस मॉडल में नहीं आती, तो काफ़ी भी बंदे बेस मॉडल लेते हैं, तो बेस मॉडल लेने के बाद आप ये काम करा सकते हो। अब आपको चला के दिखाते हैं कैसे काम करती है प्रॉपर LED, तो आपको दिखाते हैं। तो भाई इन्हें अभी बताइए एक बहुत बढ़िया बहुत खास चीज़, तो मेरे को ये रिमोट भी दिखा तो मैं सोच रहा था किस काम के लिए है। तो इसमें दो वैरायटी हैं जो मैं लगा रहा हूँ LED में, देखते हैं मैं कौन सी लगवाता हूँ। करंटली नॉट एट डिसाइडेड बिकॉज प्राइस अभी कंफर्म हो रहा है, तो प्राइस के हिसाब से मैं देखूंगा। तो मेन चीज़ क्या है, जो पहली वाली है जो हाई महंगी वाली है, जो हाई क्वालिटी बढ़िया वाली, और उसमें रिमोट आता है। तो बेसिकली जो आपकी DRL होगी, जो आपकी DRL पूरे टाइम चलेगी, डे टाइम रनिंग लैम्प जिसको हम बोलते हैं, तो उसका जो है कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपका जब मन करे आप वाइट कर लो, आपका जब मन करे आप ब्लू कर लो, देख सकते हो ये इंडिकेटर है। तो ये येलो है कि ग्रीन है? येलो है, ये येलोइश है। हाँ। अच्छा, तो ये इसके इंडिकेटर है ब्लिंक वाले, ये देख सकते हो। तो ये फ्लो करेंगे ऐसे जलाने पे? उसमें फ्लो नहीं थे मेरे ख्याल से, उसमें आपका इंडिकेटर उसमें जल जाएगा ना। अच्छा, इसमें फ्लो करेंगे पर, तो ये देख सकते हो उसमें इंडिकेटर है। एक बार DRL जलाओ, वाओ यार सेक्सी, सो सेक्सी। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हैं इसके DRLs जो कलर कर रहे हैं चेंज, और ये है इसका रिमोट, देख सकते हो रिमोट। इससे आप जो दबाओगे रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, सारे कलर इससे मतलब हो जाएंगे। आपको कुछ करके दिखा देते हैं अभी। तो वैसे ये देख सकते हो ये हो गई है हमारी लाइट पूरी चालू, ये वो वाली है जो हाई क्वालिटी हाई वाली थी, जो महंगी वाली थी। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि अगर आपको इसमें मोड्स कलर चेंज करने हो तो भाई बहुत खास चीज़ है। एक तो इसमें मोड्स देखो कैसे अभी ये मल्टी कलर घूम रही है, मतलब ग्रीन ब्लू सारे आ रहे हैं। अब मैं इसमें करता हूँ रेड, तो ये देखो पीछे से करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया पूरा रेड। तो अगर ये अभी DRL में लगेगी तो अगर मेरे को रेड DRL चाहिए तो मैं रेड कर दूंगा, अगर मेरे को ब्लू में चाहिए तो ये देखो मैंने ब्लू दबा दिया, ग्रीन चाहिए तो यहाँ पे ग्रीन में हो गया, वाइट चाहिए तो वाइट में हो गया। तो बहुत सेक्सी चीज़ है ये। बाकी अगर मेरे को इकट्ठे चाहिए कलरफुल में, देख सकते हो कलरफुल हो गया। ये तो हो गई महंगी वाली जो अच्छी और बढ़िया वाली है, इसमें आप रिमोट से चेंज कर सकते हो, उसका प्राइस भी पूछवा देता हूँ। अब करते हैं ऑन नॉर्मल वाली जो बेसिक वाली है, जो देखते हैं मैं फिर कौन सी लगाऊंगा। इसमें आपको मिलेगा नॉर्मल सिर्फ DRL वाइट कलर का, जो इसमें वाइट था वो आपको मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे ऑन हो गई है। दिस इज़ प्योर वाइट, प्रॉपर वाइट, जैसे आपकी बलिनो वगैरह में आता है, नई गाड़ियों में DRL आते हैं वाइट वाले, तो वो ये है। और साथ में इंडिकेटर मिलेंगे, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये इंडिकेटर, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है सारा, ऐसे चलेगा प्रॉपर ही ब्लिंक हो गए। तो दोनों अच्छी हैं इसके। तो वैसे ये वाली हम अभी फिट करा रहे हैं लाइट, जो है ये हम करा रहे हैं मल्टी कलर वाली, जो महंगी वाली थी, बिकॉज सोचा है एक बार में चीज़ लगवा लें तो बढ़िया वाली लगवाएं, क्यों उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो इनका जो प्राइस है वो दोनों का पूछवा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे भाई, आपने इनको देखा होगा पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी सिस्टम वाली। हाँ जी, नाम बता दो एक बार। नितिन, तो इनको आपने देखा होगा, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी जो हमारी सिस्टम लगवाया था हमने पूरा यहाँ से सोनी वगैरह का, उसमें ये आए थे। बाकी आपको ये यहाँ पे मिल लेंगे, अपने रोहित भाई भी मिल लेंगे। तो अभी हम लगवा रहे हैं जो आपको दिखाई थी मल्टी कलर वाली लाइट, जिसमें इकट्ठे आते हैं रिमोट से कलर्स में चेंज हो जाते हैं। तो एक बार हमारे व्यूअर के लिए प्राइस बता दो बेस्ट क्या पड़ेगा अगर हमारे नाम से आएंगे दोनों का फाइनल, उसका भी और उसका भी प्राइस अभी हमने नहीं बताया है। प्राइस पड़ेगा जो नॉर्मल लाइट है मैट्रिक्स का, तो बेस्ट प्राइस है हमारे उससे। तो अगर हमारी रेफरेंस से आओगे तो वैसे ये प्राइस आपको बेस्ट पड़ जाएगा, वरना 100-200 रुपये ज़्यादा ही है। तो इतने में ही मैं भी काम करा रहा हूँ, मैं जो लगा रहा हूँ वो मैट्रिक्स लगा रहा हूँ फ्लोइंग वाली। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैट्रिक्स होती है जब आप इंडिकेटर देते हो तो लाइट फ्लो करती है ऑडी स्टाइल में, और जो नॉर्मल 500 वाली है उसमें फ्लो नहीं करेगी, उसमें सिर्फ ब्लिंक करेगी। तो ये है दोनों में फ़र्क। अब लगवाते हैं कराते हैं इसकी फिटिंग। हॉर्न तो हमारे लग चुके हैं, आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है, आपको भी सुना दूंगा आवाज़ एक नंबर आ रही है। तो अब कराते हैं LED फिटिंग, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल क्या आती है लुक। देख सकते हो यहाँ पे लग गई हमारी DRL लाइट प्रॉपर। तो यहाँ पे आई लाइट्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे DRL है और देन वहाँ पे भी DRL है। तो अभी इसकी हो रही है कनेक्शन, उसके बाद एक बार बोनट बंद करेंगे, देखेंगे कैसी इसकी फाइनल लुक आ रही है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे जला के कैसी आती है इसकी लुक। और अभी बहुत जल्दी आपको एक बार बता दूँ तो मेरा इसको पूरा रैप करने का प्लान भी है, पूरी गाड़ी अभी हो जाएगी ग्लॉस रेड रैप। अभी ये मतलब थोड़ा डार्क रेड मैरूनिश कलर है, तो थोड़े टाइम में बहुत जल्दी, अभी आज मेरा खर्चा ऑलरेडी बहुत हो गया है, तो उसके बाद जब ये वाला हो जाएगा सारा कंप्लीट, उसके बाद थोड़े टाइम में करा लूँगा मैं इसको ग्लॉस रेड रैप। बाकी पीछे हमारे भाई काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे भाई काम कर रहे हैं, तो आज हम आ रखे थे यहाँ पे काम कराने, तो बाय चांस मतलब मेरे को भाई भी यहाँ पे मिल ही जाते हैं, बिकॉज इनकी भी शॉप साथ में ही है। तो एक बार पहले इनको काम करने देते हैं, उसके बाद इनको मिलवाएंगे आप लोगों से, और आप लोग पहचान जाओगे ये कौन है, बिकॉज आपने भाई को वीडियो में पहले देखा हुआ है,
तो ये हम काम करा रहे हैं इसमें अलॉय व्हील, इसके जो व्हील कवर्स हैं अभी बिकॉज मेरा अलॉय व्हील लगाने का कोई मन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, तो इसके जो व्हील कवर्स हैं इसको हम करा रहे हैं पेंट। तो देख सकते हो कैसे इसके व्हील कवर पूरे पेंट हो रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप? तो ये हमारे सुमित भाई हैं, इनको आपने देखा होगा। हाँ, तो इनको आपने देखा होगा, हमारी जो पहले बलिनो थी उसके मैंने व्हील कवर पेंट कराए थे, वो इनसे कराए थे और वीडियो अच्छी खासी वो चली भी थी। तो कस्टमर भी आए थे ना भाई? जी, कस्टमर आए थे ना। तो किसी को भी किसी को भी कराने हो इनका नंबर डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, बहुत अच्छे रेट में कर देते हैं। आपको रेट पूछवाया था, कितना खर्चा आएगा बताओ इसका? यार ज़्यादा नहीं है, आ जाना देख लेंगे। देख लेंगे 700-600 रुपये, तो 700 रुपये कुछ में आपका काम हो जाएगा प्रॉपर। चाहे आपको ग्लॉस ब्लैक कराना हो, चाहे जेट ब्लैक कराना हो, तो यार मेरे को पता है कि मेहनत वाला काम है इसलिए थोड़ा इसका हो ही जाता है। अभी मैं करा रहा हूँ ग्लॉस रेड जो बहुत सूट कर रहा है, और ये और अच्छा लगेगा जब मेरी गाड़ी पूरी रैप हो जाएगी। हाँ, अभी तो मेन है कि मेरे स्क्रैचेस बहुत है तो सारे गायब हो गए। कराते हैं काम ये, उसके बाद करते हैं वीडियो को। वैसे अभी सारा का सारा काम अभी कंप्लीट हो गया है, आज का सारा काम आपको बता दूँ क्या हमने कराया। बाकी अभी गाड़ी गंदी बहुत हो रखी है, उसको माइंड मत करना बिकॉज अभी वॉशिंग वगैरह ऐसी कुछ नहीं हुई है। तो फाइनल जो हमने सारा आज काम कराया है, सबसे मेन चीज़ कराई है, इसके बारे में मेन वीडियो हुआ है DRL। तो DRL की आपको दिखाता हूँ पहले लोग, बिकॉज मेरे को पता है कि आप सब लोगों को DRL का ही सबसे ज़्यादा वेट होगा। तो आपको दिखाता हूँ इसके DRL की लुक, उसके बाद बात करते हैं बाकी चीज़ों की। रोहित भाई ऑन कर दो DRL। तो मैंने ये महंगी वाला लिया, एक बार देखो सेक्सी यार सेक्सी। तो ऑन करते ही इसको एक बार पहले लाइट इसमें ऐसे फ्लो करती है, और उसके बाद हमने जो कलर, एक बार इंडिकेटर ऑफ कर दो, देखते हो अभी नॉर्मल ये DRL है जो पूरे टाइम जलता है। जैसे चाबी, जैसे ही मैं चाबी ऑन करता हूँ, जैसे ही चाबी घुमाता हूँ, जैसे हम चाबी को घुमाते हैं डायरेक्ट हमने इसी कनेक्शन बैठाई चाबी से, ऐसे DRL की बैठती है। जैसे ही हम चाबी को घुमाते हैं, चाबी ऑन करते हैं, तो DRL इसकी हो जाती है ऑन। रेड है ये दोनों, एक बार ये देखो भाई, रोहित भाई के हाथ में रिमोट है, तो जो सी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं इसको ब्लू कर लूँ, जब मन करे पर्पल कर लूँ, जब मन करे वाइट कर लूँ, जब मन करे जौन सा मर्जी कलर कर लूँ। तो जैसी चाबी मैं ऑन करूँगा पहले मैट्रिक्स आएगा ऐसे घूमता हुआ फ्लो होता हुआ, उसके बाद जो कलर में सेट किया वो हो जाएगा। अब एक बार ये देखो, ये फ्लोइंग वाला है। तो भाई मतलब ऐसे लग रहा है कि कंपनी से मतलब काइंड ऑफ DRL होके आए हैं अभी। बाकी यहाँ बहुत थोड़ी लाइटनिंग है, अगर अंधेरे में और देखोगे गाड़ी साफ होने के बाद तो और ज़्यादा निकल के आएंगे। अभी देख सकते हो कैसे फ्लो कर रहा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा। बाकी मैं तो उसको पर्सनली रेड या वाइट पे सेट करके रखूँगा बेस्ट। अब दिखाते हैं एक बार आपको इंडिकेटर, तो एक बार इंडिकेटर दबा दो, इंडिकेटर की लुक है, एक बार चेकआउट करो। यहाँ इंडिकेटर साथ साथ जलेंगे ही, पीछे भी जलेंगे जो जलते ही हैं, और साथ में ये फ्लो करेगा जैसे ऑडी स्टाइल में होता है हल्का, तो ये पूरा फ्लो करेगा। देख सकते हो कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो उधर भी सेम तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे इंडिकेटर जल रहे हैं। तो ये तो हो गया भाई DRL का काम, सुपर इम्प्रेस, सुपर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। भाई ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड किया और प्राइस भी अच्छा खासा दे दिया है, तो इससे तो भाई दिल खुश हो गया। बिकॉज मेरे को गाड़ी में ना एक मतलब DRL की ही लुक की कमी रखती थी कि हाँ यार एक ये चीज़ होती तो और अच्छा रहता। LED मैंने लगवाई ली, LED का काम पूरा हो ही गया, लेड्स इसमें लगी हुई हैं, DRL इसमें लगवा ली। तो हैज़ार्ड आपको दिखा दिया, अब एक बार आपको सुनाते हैं हॉर्न, जो इसमें हॉर्न लगा है भारी वाला हैवी वाला हॉर्न, उसकी एक बार आपको आवाज़ सुनाते हैं। भाई हॉर्न मारना, ऑन वाह यार, तो ये आप सुन सकते हो इसका अभी हॉर्न जो है कितना लाउड हो गया। पहले तो मतलब कुछ भी नहीं था, अगर पहले की बात करें तो, अगर पहले की बात करें इसका आई थिंक 20% या 30% था, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ही लाउड हो गया है बिकॉज डुअल हॉर्न लग गए हैं। तो ये हुआ है हमारा दूसरा काम, एक हुआ हॉर्न वाला काम। और अब इसकी जो एक लाइट आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी कि इसकी एक वायरिंग में दिक्कत थी, तो इसकी हाई बीम कभी कभी नहीं जलती थी एक वाली, तो अब इसकी प्रॉपर वायरिंग भी जलती है, अब इसका वो सारा काम भी हो गया, वायरिंग वाला काम भी प्रॉपर हो गया। एक बार लाइट जला दो LED। वाह यार, तो भाई ये लुक इतनी मस्त आ रही है ये DRL की, और साथ में ये हाई बीम और लो बीम की। तो पहले इसकी हाई बीम जलती नहीं थी बिकॉज इसकी रिले वगैरह चेंज होती, वायरिंग चेंज होती, तो पूरी वायरिंग नहीं जल गई है इसकी मिंडा की। देख सकते हो कैसे मतलब बढ़िया लग रहा है इतना, DRL प्लस साथ में अपना LED लाइट। सबसे एक और मेन काम पे हैं जो उसने गाड़ी की लुक मतलब बहुत ज़्यादा एनहांस कर दी है, बहुत ज़्यादा निकाल दी है, तो वो है ये। तो गाड़ी के पहले जो पूरे मतलब टायर्स थे वो पूरे पूरे मतलब सिल्वर थे, और सिल्वर में भी उसमें स्क्रैच पड़े हुए थे, अब जो है ये हो गए हैं प्रॉपर जेट ब्लैक। तो भाई रेड, मैरून रेड और जेट ब्लैक की जो लुक आ रही है ना गाड़ी, मतलब सेक्सी लग रही है, जेन्युइन बहुत सेक्सी लग रही है। देन यहाँ पे देखो इस साइड से, तो पहले ये पूरे थे सिल्वर, अब देख सकते हो पूरे हो गए हैं ये जेट ब्लैक। गाड़ी अब शाइन एक बढ़िया वो मार रही है। बाकी अभी सून इसकी होनी है फुल रैपिंग, ग्लॉस रेड कराऊंगा इसको, तो रैपिंग इसकी फून सून मतलब हो जाएगी। उसके बाद तो मतलब गाड़ी है ऐसी बन जाएगी कि जहाँ खड़ी होगी तो एक बार इसको मतलब बंदा मुड़ के ज़रूर देखेगा, बिकॉज इसमें सब कुछ लग गया, DRL लग गए, LED लग गई, सिस्टम लग गया 50,000 रुपये का, टायर पूरे वो हो गए हमारे, पेंट हो गए, जो व्हील कवर्स है मतलब छोटा मोटा करके बहुत सामान इसमें लग गया है। तो अब करते हैं बिलिंग, चलते हैं यहाँ से। यही हुआ है आज फाइनल काम, टायर्स के हमारे पूरे जो हमारे कवर्स हैं वो जेट ब्लैक पेंट हुए हैं, कितने सेक्सी लग रहे हैं एक बार खुद देख लो। DRS लगे हैं, हॉर्न लगे हैं, और लाइट हमारी प्रॉपर ठीक हो गई है। तो यहाँ पे बैठे हैं हमारे दोनों ओनर साहब, तीनों ओनर साहब, तो इनसे पूछ लेते हैं फाइनल। आपको बता रहा हूँ वरना लोग बोलते हैं प्राइस नहीं बताया, 1,000 रुपये DRL वाले,
1000 रुपीज़। हॉर्न के रोहित भाई ने बताया था 800 रुपये। हेडलाइट का तो काम चलो मेरा पर्सनल था, उसका कोई प्राइस बनाने की मतलब जरूरत बनती नहीं है, पर वो भी मेरा काम 800 रुपये में हो गया, बिकॉज पूरी वायरिंग नहीं डली है। और देन अगर अलॉय पेंट की बात करूँ तो वो कराया था मैंने सुमित भाई से, जिसने व्हील कवर पेंट किया, तो उसके लगे थे 500 रुपये 600 रुपये कुछ लगे थे। भाई यही करेंगे आज की वीडियो एंड, किसी को आना हो जरूर से आ जाना, अब मैं बस बिलिंग कराऊंगा। दुकान का नाम है RJ कार महल। और कुछ भी ठीक है। तो भाई ये मॉल टाउन की वन वाली वो है, पूरी की पूरी ना कार मार्केट है, कहीं और मत जाना, यहीं पे आ जाना, बिकॉज पहले मैं भी कहीं और से काम कराता था, लेकिन यार बाद में जब मज़ा नहीं आया तो मैं यहाँ पे आया था। तो ये है इनका पूरा एड्रेस, ये है इनका पूरा कार्ड, देख सकते हो तीनों भाई के नंबर भी लिखे हुए हैं इसमें। तो किसी को आना हो RJ कार महल मॉल टाउन वन जरूर से आ जाना, फुल रिकमेंडेशन है हमारे नाम से, हो गए तो रेट भी अच्छे मिल जाएंगे, डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं बेसिकली रात के, अगर आपको दिखा देता हूँ तो भाई रात के 2:20 हो गए हैं फिलहाल, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी गाड़ी लगी है पार्किंग में और सारे यहाँ पे सो रहे हैं। तो उस टाइम मैंने दुकान में वीडियो को नहीं किया था एंड, बिकॉज मेरे को मेरी स्टार्टिंग से एक आदत है कि अगर मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करता हूँ तो मैं उसका हमेशा इन एंड इन मतलब एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ कि हाँ मतलब उसकी लुक रात को कैसी आ रही है, ऐसे कोई LED लगाई तो LED का रिव्यू दे देगी, रात में उसकी LED लाइट कैसे परफॉर्म करती है। तो अभी आपने जो वीडियो देखी है, ये आपने वीडियो देखी है पर्सनली बेसिकली इस DRLs की, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं DRLs, आप लोग देख सकते हो ये पूरे के पूरे DRLs जा रहे हैं उधर से भी। तो गाड़ी अभी साफ़ हो रखी है बिकॉज अभी मैंने कराई थी इसको साफ, रोज़ मतलब आजकल आ रहा है करने वाला भाई साहब इसको, एक बार आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो साइड लुक, अभी अंधेरा बहुत हो रखा है बिकॉज रात हो रही है। तो भाई बेसिकली ये उस दिन हुए थे व्हील्स ब्लैक, अलॉय बेसिकली व्हील कवर ब्लैक कराए थे मैंने। तो अब ये जो वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा एंड में इसकी एक DRL की जलते हुए लुक दोनों की। तो अभी फ़िलहाल जो है एक उधर लगा हुआ है DRL, एक इधर लगा हुआ है। तो अब आपको पहले दिखाता हूँ इंडिकेटर में कैसे आती है। तो मेरी गाड़ी में एक फ़ीचर है कि यहाँ पे मतलब ये इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है, सेंट्रल लॉकिंग में एक फ़ीचर है जिससे दोनों के दोनों इंडिकेटर इकट्ठे चलते हैं, ताकि कभी आपकी गाड़ी कहीं मतलब अंधेरे में खड़ी हो तो दोनों आपको लाइट दे पाएँ। तो एक बार अभी मेरे को अंदर से मतलब इसका मतलब अच्छी बात है कि मैं अकेला हूं, तो मेरे को अंदर से इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं इसी के थ्रू दिखा दूंगा। तो रेडी हो 3, 2, 1, पहले आपको दिखाता हूँ इसके इंडिकेटर लुक, बहुत सेक्सी है भाई, अगर झूठ ना बोलूँ ना मेरे इस प्रोडक्ट पे दिल आ चुका है, आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, मतलब मेरे को बहुत ही वसूल टच वोटर बहुत ही बढ़िया लगा। दिखाता हूँ इसके इंडिकेटर की परफॉर्मेंस, वाओ। तो भाई दिस इज़ समथिंग रियली वेरी सेक्सी। तो ये इसके इंडिकेटर की लुक है, इसके ऑडी स्टाइल इंडिकेटर हैं, जैसे ऑडी जिस DRL में बेसिकली ऑडी स्टाइल इंडिकेटर हैं, तो ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं सिर्फ ऑडी में ही आते हैं, जिसमें ऐसे फ्लो करते हैं, आपको पास से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो फ्लोइंग वाले होते हैं ये बेसिकली ऑडी वगैरह में ही आते हैं और किसी में आते भी नहीं हैं। ये देखो दिस लुक्स सो सेक्सी मैन, दिस रियली लुक्स वेरी सेक्सी, वाओ यार। तो जब भी मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना आजकल, तो मैं कभी इंडिकेटर देता हूँ कुछ देता हूँ, तो इसको फ्लोइंग को देख के मतलब बहुत रिएक्शन आते हैं, बिकॉज बंदे देखते हैं ऐसे फ्लो कर रहा है वो कर रहा है, तो बहुत मतलब लोगों को पसंद आता है। तो ये आपने देख लिया, ये इंडिकेटर है, जैसे जैसे इंडिकेटर चलेगा चाहे वो राइट का हो चाहे वो लेफ्ट का हो तो ये फ्लो करेगा। अभी आप देख सकते हो ये फ्लो कर रहा है इधर, और ये वाला भी देख लो कैसे ये फ्लो कर रहा है। तो अब करता हूँ इसको ऑफ, ये तो हो गई भाई इंडिकेटर की लुक, तो कर देता हूँ इसको ऑफ। तो अब आते हैं गाड़ी के मेन जो कि है DRL। अब आपको दिखाता हूँ इसके बेसिकली मेन DRL कितने प्यारे हैं। तो भाई DRL की इसकी लुक और बातचीत ही अलग है, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि DRL की लुक कैसी है। तो ये देखो, तो ये मैंने घुसाई चाबी, कर दिया गाड़ी को ऑन, एक बार आपको अब दिखाता हूँ। रेडी हो, तो ये देखो। तो भाई ये लुक है इसकी रात को, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और अभी झूठ नहीं बोल रहा, ये इसमें इतनी पता नहीं लग रही वीडियो में जितनी है आँखों को दिख रही है। वीडियो में तो इसकी LED की हल्की 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 अंदर की LEDs दिख रही हैं, पर आँखों में अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो वो भी नहीं दिखती। एक बार देखो कितनी सेक्सी लुक है, ये देखो। तो भाई जब गाड़ी खड़ी होती है ना, मतलब जब गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी पार्क्ड होती है, या गाड़ी सामने से चलती हुई आ रही होती है रात को, और सिर्फ इसकी आंखें जली होती हैं DRL, तो इतनी अनोखी लगती है, इतनी यूनिक लगती है, मतलब हर बंदा इसको देखता है घूम घूम के, मतलब कि ये क्या लगा हुआ है। सबसे मेन फीचर इसके रिमोट में, वो जो कलर करना हो वो कर सकता हूँ, वैसे तो मैं इसको रेड पर रखता हूँ बिकॉज मेरे को रेड DRLs पसंद आते हैं ऐसे। यहाँ पर रेड है, ऊपर गाड़ी मेरी मतलब वाइन कलर है, मतलब बेसिकली डार्क रेड कलर टाइप है, जिसको हम डार्क रेड कलर बोल सकते हैं। येलो ग्रीनिश, येलो ग्रीनिश, दिस इज़ द ब्लू, सेक्सी मैन। मेरे को बेस्ट लगते हैं रेड, ब्लू एंड वाइट, आपको ये वाइट दिखाऊंगा।
ब्लू अच्छा लगेगा, वाइट गाड़ी में से पीछे वाइट गाड़ी खड़ी तो वाइट में अच्छा लगेगा, ब्लू और वाइट, मेरी रेड है, मेरे को रेड इसमें बेस्ट लगता है, रेड अगेन सेक्सीएस्ट, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, वो लाइट ब्लू था ये वाला, ये डार्क ब्लू है। अब आते हैं वन ऑफ द बेस्ट पे, वाइट, बहुत सेक्सी और लव्ड इट, वाइट, देन पर्पल, देख सकते हो दोनों पर्पल हो गए, थोड़ा सा पिंकिश कलर, हल्का सा मतलब पर्पल और पिंक का मिक्स, फ्लोइंग चाहिए, अगर आपको फ्लोइंग चाहिए तो ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है, पर फ्लोइंग अगर आपको चाहिए तो येलो फ्लोइंग, इसमें आपके सारे कलर्स आएंगे, ब्लू, रेड, ब्लैक, सब फ्लो करेगा। तो भाई ये था एक इन नाइट का रिव्यू। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब तक रात की, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैंने सुबह थोड़े शाम के टाइम लगाई तो उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो अभी मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था बाहर खाना वाना खाने, बिकॉज मैं ऐसे टाइम फ्री होता हूँ रात को काम वाम करके, तो मैं सोचा वाई नॉट मेक द वीडियो राइट नाउ और आप लोगों को दिखा दूँ इसका रिजल्ट, इसका आउटकम की कैसी लगती है ये। तो ऐसी लग रही है हमारी जान, हमारी पुंटो जान, हमारी फ़िएट पुंटो, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सुपरमैन। तो छोटा छोटा करके इसमें अब सारा का सारा काम हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। मैं एक बात और, मैंने इसमें रिवर्स कैमरा भी लगवा लिया है IRVM वाला, तो उसकी वीडियो आएगी अगली, तो उसकी वीडियो के लिए कर लो आप लोग सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। चीपेस्ट रिवर्स कैमरा इन ऑल ओवर इंडिया, तो चीपेस्ट रेट में आपको बताऊंगा आप लोग कैमरा कितने का लगवा सकते हो, आपको बताऊंगा अगली वीडियो में आप कैसे लगवा सकते हो चीपेस्ट और सबसे सस्ता बेस्ट कैमरा। मैंने तो ऐसा अच्छा लगवाया, पर मैंने चीपेस्ट वाला ही पूछा आप लोगों के लिए। तो ये था फुल वीडियो रिव्यू ऑफ LED DRL लाइट्स फॉर फिएट पुंटो और एनी कार। तो जैसे मेरी गाड़ी थी, इसमें कोई भी ऐसी DRL वगैरह नहीं थी, तो आफ्टर मार्केट सिर्फ 1200 रुपये में भाई जो प्रोडक्ट मुझे मिल गया ना, आई एम टच वुड वेरी वेरी मच हैप्पी, मतलब बहुत मैं इंप्रेस्ड हूँ। ये देखो लाल में लगती है मेरे को ये बेस्ट। तो भाई जो लोग इसकी लाल में ना, वो किसी में भी नहीं है लाल, एंड दिस वाइट सेक्सी यार, आई लव इट, आई रियली लव इट। तो भाई इस प्राइस में फुल थम्स अप, किसी को कराना हो तो RJ कार मेल से करा लेना, आपको मैंने एड्रेस दे दिया था। अभी आगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, अब हॉर्न लग गए हैं, LED लग गई है, DRL लग गए हैं, देन छोटा मोटा करके बहुत सामान लग गया, रैपिंग रूपिंग हो गई है, आईलिड्स लग गई हैं, रिवर्स कैमरा लग गया है, म्यूज़िक सिस्टम लग गया है 40-50 हज़ार रुपये का, तो सारा अंदर LED लाइट लग गई है, कैबिन लाइट्स, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया। छोटे टका करके अगर मैं बताऊं तो इस गाड़ी में मैं कम से कम कहता हूं 80 हज़ार रुपये या 70 हज़ार रुपये तो ईजिली लगा चुका हूं, बिकॉज सिस्टम अकेले ही 40-50 थाउजेंड का है, तो ऊपर से फिर करते करते बहुत कुछ लग चुका है इसमें। तो अब गाड़ी की लुक आ चुकी है LED, एक बार मैं आप लोगों को एंड में इसकी LED लाइट के साथ भी लुक दिखा देता हूं कि अगर हम लोग LED लाइट को ऑन करते हैं और साथ में हमारे DRLs भी ऑन होते हैं तो कैसी आती है इसकी बेसिकली लुक, तो एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये भी इसमें लगा हुआ है अंदर, एम्बिएंट लाइट वगैरह सब कुछ लगी हुई है। LED लाइट्स की इसकी पावर देखो यार, मतलब कितनी पावरफुल है इसकी LED लाइट। पीछे की लाइट अभी स्टॉक है इसमें, जो कि बहुत मेरे को सेक्सी लगती हैं गाड़ी की लाइट्स पीछे की। तो भाई ये देखो, वाओ यार वाओ, आई लव इट मैन, आई रियली लव इट, जो लुक आ रही है ना, इट लुक्स अमेजिंग। DRL और साथ में हमारा LED लाइट, बहुत बढ़िया लग रही है। ये हमारी अभी लो बीम पे है, तो लो बीम LED और साथ में रेड DRLs, जो कि बहुत सेक्सी लुक आती है। तो भाई ये है हमारी गाड़ी का इंटीरियर, एक अभी एम्बिएंट लाइट निकल गई है, इसको भी मेरे को फिट करना है, बिकॉज मेरे दोस्त का पैर लग गया था। अंदर लगा हुआ है अगेन सिस्टम, फुल म्यूजिक सिस्टम अंदर भगवान जी की एक वो लगी है, देन यहाँ पे डॉग लगा हुआ है, देन यहाँ पे अलॉय व्हील टंगा हुआ है जो लुक देता है बहुत अच्छी। करते करते छोटा मोटा करके बहुत सामान लगा हुआ है इसके अंदर ही। तो भाई अब करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड, एक बार मैं कर देता हूँ इसकी हाई बीम हेडलाइट LED हेडलाइट को ऑफ। ये थी फुल वीडियो ऑन LED DRL हेडलाइट इंस्टॉल ऑन फिएट पुंटो। किसी को भी लगवानी हो RJ कारमेल फुल रिकमेंडेशन, वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज मेरे ख्याल से किसी ने इसकी वीडियो आज तक नहीं बनाई है, और बनाई भी है तो फिएट पुंटो पर शायद अभी तक किसी ने भी लगाई है, और लिटरली आई एम इन लव विद इट, मुझे बहुत पसंद आ गई। तो भाई अगर आई हो वीडियो पसंद तो वीडियो को ज़रूर से कर देना लाइक, बहुत मेहनत लग रही है, अभी 2:30 बजे आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना ज़रूर से सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी नीचे लिखी आ रही है ProRiderKM, वहाँ पे मैं ये सारे के सारे गाड़ी वगैरह के बाइक्स के अपडेट्स पहले डाल देता हूँ, तो उस पर मेरे को ज़रूर से फॉलो कर लेना। और यहीं करते हैं आज की वीडियो को एंड, बहुत लेट हो रहा है, मैं भी घर सोऊँ, बहुत नींद आ रही है, अभी मेरी हालत देखो भाई, हालत क्या हो गई है पसीने वगैरह में। तो भाई यहीं बोलूँगा, यहीं करूँगा वीडियो को एंड, एज ऑलवेज इन द एंड टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। आई होप यू लाइक द प्रोडक्ट, कमेंट्स में बताना कैसे आपको लगा ये प्रोडक्ट DRL LED हेडलाइट्स फॉर एनी कार। मेरे को तो भाई, मेरे लिए 10 out of 20 है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, 10 out of 10 बोलो, 20 बोलो, 100 बोलूँगा मैं इसको, मेरे लिए 100 भी सही है, बिकॉज आई एम लिटरली इन लव विद द प्रोडक्ट। इस प्राइस रेंज में बहुत पसंद आया मेरे को,
यहीं करते वीडियो, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।